अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट का नाम है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हल कर लें तो इसका आंसर आ जाए 60, 30 वगैरह। ये एक अरेंजमेंट होती है, इसमें रेक्टेंगुलर अरेज होती हैं, ये रोज होती हैं, कॉलम होते हैं। लेकिन जब इसका दोनों तरफ का मॉडुलस ले दें, स्ट्रेट लाइनें लगा देते हैं, तो इसका नाम बन जाता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज टू बी डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ ए। स्ट्रेट, ये देखो ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये ज़रूर ख्याल रखना है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए को डी के साथ, और फिर अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं माइनस बी सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और ये हमेशा स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है। ये हमेशा जो डिटर्मिनेंट बनता है वो जरूर स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है स्क्वेयर मैट्रिक्स। और ये बेटा ये डेफिनेशन सारी लिखी हुई है, ये यहाँ से डेफिनेशन एक गायब हो गई है, ये मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ ये डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, और ये याद रखना है आपने। और हमेशा डिटर्मिनेंट बनते ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिकली ए मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये मॉडुलस जीरो के बराबर ना हो तो उसका नाम क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमेशा नॉन सिंगुलर, ज्यादा सिंगुलर होना बहुत बुरी बात होती है ना, इसका इन्वर्स निकल सकता है, यानी इन इक्वेशंस में ये इन्वॉल्व होता है वो सॉल्व भी नहीं होती है। तो सिंगुलर होने का मतलब अलग, अपनी दुनिया अलग बसा लेना, इट्स नॉट दैट वेरी गुड थिंग। सो व्हेन ए मॉडुलस इज जीरो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एंड व्हेन ए मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इसी तरह बेटा एक एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए लिखते हैं आमतौर पे, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर ये एक मैट्रिक्स है, ये देखें, लुक एट दिस, इट इज अ मैट्रिक्स, ये एक आपके सामने मैट्रिक्स है, और इसमें अगर एक सिंपल ऑपरेशन आप करें, इसको डायगोनल कहते हैं, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, डी को ऊपर ले जाएं ए को नीचे ले जाएं, इसको इंटरचेंज कर दें डायगोनल के एलिमेंट्स को। और ये दूसरा जो सेकंड, इसको डायगोनल तो नहीं कहते, लेकिन ये जो दूसरा ये है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसके इसके जो साइन है, चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज का मतलब है, इस डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए। बस ये वाला डायगोनल को हमने आपस में एलिमेंट्स को ए ऊपर लिखा था नीचे लिख दिया, डी यहाँ लिखा था यहाँ लिख दिया, इन दोनों के साथ माइन, इसको क्या कहते हैं, एडजॉइन। फिर जैसे 5 को उल्टा दें तो 1/5 हो जाता है, उसको कहते हैं कि ये 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन मैट्रिक्स को तो हम उल्टा ही नहीं सकते, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट का नाम है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, जैसे 5 है उसका इनवर्स 1/5 होता है, लेकिन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह बी ए का इनवर्स होगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, ये डेफिनेशन है प्रॉपर। दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अगर अगर उनको जो भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। मैट्रिसेस की आइडेंटिटी एलिमेंट आई होती है, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर भी आई आ जाता है, बी को ए से मल्टीप्लाई करें फिर भी आई आ जाता है। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए बी आई होता है। प्रॉपर डेफिनेशन, एम अगर एक मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर ये मैट्रिक्स अपने ए ही लिया हुआ है, यहाँ इसका नाम बदला हुआ है, ऊपर एम लिखा हुआ है तो यहाँ पे एम कर देते हैं, अगर ऊपर एम लिखा हुआ है तो ये एम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, और यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं जिस मैट्रिक्स का हम इनवर्स लेने जा रहे हैं, मैट्रिक्स एम से होता है ना, इसलिए उन्होंने एम नाम रख लिया, बुक में आपके एम लिखा हुआ है। तो जो भी मैट्रिक्स है, सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको
डिटर्मिनेंट को निकाल के देखते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में जब आता है तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए एम को जीरो के बराबर अगर ना हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता। ये बात आपने देखनी है और ये बातें याद भी रखनी है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाए उसको सिंगुलर कहते हैं, जीरो के बराबर ना हो तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। ये सारे मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इनके डिटर्मिनेंट बनाए हुए, स्ट्रेट लाइन बनाइए, इसको सॉल्व किया, अगर आंसर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है वो सिंगुलर है, अगर जीरो नहीं आता तो नॉन सिंगुलर है। ये देखें सब में फाइंड द डिटर्मिनेंट इसने कहा, चलो सिर्फ डिटर्मिनेंट ही निकालने और कुछ भी नहीं करना। तो हमने सारे डिटर्मिनेंट्स निकाल के आपके सामने रखे हुए। अभी अभी जो मेथड पढ़ा था उसके तहत इसमें आपने चेक करना है कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। जैसे ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन बनानी है दोनों तरफ, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई, सिक्स को टू, बीच में माइनस खुद से लगाना है, ये जीरो आ गया। तो क्या कहेंगे, ए इज सिंगुलर। सिमिलरली बी को चेक करें, अगर बी का डिटर्मिनेंट निकालें, 4 to 0 8 माइनस ये 5 आ गया, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन से दैट के इट इज नॉन सिंगुलर। ऑल द क्वेश्चन कैन बी डन लाइक दैट, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1/A modulus into a joint of A। ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले A modulus निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो लिखेंगे इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट, जीरो हो जाता तो लिख देते इनवर्स डजेंट एग्जिस्ट, बस खत्म। ये डेफिनेशन है 1/-6, और ये मैट्रिक्स है, इन दोनों की जगहें बदला दें, जीरो ऊपर माइनस वन नीचे, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, यह आ गया। हर एक के नीचे माइनस सिक्स लिख दें, या 1/-6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सबके नीचे माइनस सिक्स, ये उसका आंसर है। ऑल क्वेश्चंस कैन बी डन लाइक दैट, ऑल द क्वेश्चन, सिर्फ ए बी सी डी नाम बदला हुआ है इनका, बाकी कुछ फर्क नहीं है, ये आपने सारे खुद करने हैं, एक ही मेथड है बिल्कुल, नो नीड टू वेस्ट द टाइम। ये मैंने आपके लिए सारे हल कर दिए, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि आपको इनमें करने में आसानी पैदा हो जाए। यहाँ पर उसने लिखा है कि भाई इनका प्रोडक्ट निकालें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारा हमने आपको सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी ए मैट्रिक्स ब्रैकेट लगा दिए है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है, 6 और 1 को इंटरचेंज, इनका साइन चेंज, ये देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आप फर्स्ट जो कॉलम है ये दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करके जमा करना होता है ऐसे, फिर सेकेंड कॉलम को यह लिटा के रख लेते हैं, पेंसिल से लिख देते हैं -2, 1, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस डालते जाते हैं, ये इसका आंसर आ गया। दिस इज वेरी सिंपल, ये आपने बेटा आराम आराम से करने हैं विद कम्फर्ट एंड डिलाइट, ये इम्तिहान में बहुत आता है, इस पर आपने लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रूव करना है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स हैं, कब होंगे, जब इनका प्रोडक्ट आई हो, तो हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी बेटा बहुत लंबे जैसे पूरे अमल के साथ किया है, इसको यहाँ लिटा के रखा है, 3, 5 को 7 -4 से